अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी अभी ये है मेरी, आजकल सफाइयों के दिन छिन चल रहे हैं। तो ये देखिए जनाब, मेरी टूटी हुई दराज जो कि कभी जुड़ेगी ही नहीं, पता नहीं कब जुड़ेगी जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरी सफाई ज़रा ज़ोरों शोर से जारी है और आज ज़रा मैं मासी का किरदार अदा कर रही हूँ। और देखिए मैंने कैसी सफ़ाई की, आप ज़रा बेगम साहिबा बन के देखना मैंने कैसी सफाई की है। तो बड़ी अच्छी सफाई मैं कर रही हूँ। देखिए बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं और मेरा तो पीछे यही काम रह जाता है ना। और आजकल तो सफाई भी बड़ी बोरिंग हो गई है मेरे लिए। जब मैं जवान थी ना, यानी कि जब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, तो मैं क्या करती थी, रेडियो लगाकर और बड़े अच्छे अच्छे गाने एफएम सुनते हुए मैं बड़ी अच्छी सफाइयाँ करती थी। और साथ साथ मेरा डांस भी हो रहा होता था और बड़े अच्छे मूड में मैं सफाई कर रही होती थी। तो आप बताइए, आप में से कौन कौन रेडियो सुनता था। बाद में तो बड़ा अच्छा मॉडर्न आ गया ना ज़रा दौर, अच्छे अच्छे गाने आ गए। हमारे ज़माने में तो रेडियो ही था और एफएम पे तो इतने मस्त गाने लगते थे ना कि मज़ा ही आ जाता था। खैर ऐसी बात भी नहीं है, दूसरा भी थे टेप मेरे पास जिस पे बड़े अच्छे अच्छे गाने लगते थे। खैर हम सब बहनें ही इस तरह करती थी, इतना इन्जॉय करती थी ना कसम से। और मिलकर हम ऐसे टाइम पास करती थी कि पता ही नहीं चलता था। सारी मिलके खाना बना रही हैं, डांस कर रही हैं, चीज़ पैसे मिला के चीज़ें मंगवा रही हैं। और अब देखिए हम सब बहनों की शादियां हो गई हैं और कोई किधर है और कोई किधर है, सब मिलने से ही तरस जाते हैं। तो ये देखिए मैं अब दवाई खा कर ना अपने पर एहसान कर रही हूँ कि मैं अपना बड़ा ख्याल रख रही हूँ। और मेरे साथ साथ डस्टिंग भी ज़ोरों शोर से जारी है। और ये मैंने अपना कमरा बड़ा अच्छा सा साफ़ कर लिया है। फिर पकाने का कुछ था ही नहीं, तो फिर मैंने आलू बॉईल किए। आलू बॉईल करके मैं उसको जल्दी जल्दी से मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये गर्म थे इसलिए मैंने फोर्क लिया और उससे मैं इसको मैश कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी आलू के कटलेट्स। देती हूँ ये देखो ना मैंने क्या किया, हलवा हलवा जो है ना आलू में डाल दिया। तो ताड़ा देखिए मेरे कटलेट्स भी तैयार हो गए, साथ ही मेरा मटर पुलाव बनाने का प्लान बन गया। और देखिए मेरे पुलाव तैयार। फिर मैंने शाम के टाइम मशीन लगाई और फटाफट मैंने कपड़े धो दिए। मैंने कहा सुस्ती तो मैंने करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, दिन में रेस्ट कर लिया ना, साथ ही साथ बच्चों को भूख लग गई। फिर मैंने उनको मैक्रोनी सैलेड गर्म करके दी फटाफट से। तो ये मेरी मैक्रोनी गर्म हो रही है और साथ ही साथ ये मेरी बेटी नहाकर आ गई है। और मैं अब रात के टाइम मैं अब चिकन बना रही हूँ। मैंने कहा बस बहुत हो गई सब्ज़ी, अब तो मैंने चिकन ही खाना है। और ये देखिए रात हो गई है और अब मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, ज़रा चमक शमक गई हूँ। इतना थकने के बाद मेरा तैयार तो होना बनता ही है। और हैव अ नाइस डे, बाय बाय।